सब जगह गरीब ब्राह्मण है, बड़ा दिक्कत पैदा होते हैं। अतेक देर से संजय झाला, वो उकर नंबर नहीं से छोरी के, अभी तो मैं अंदर घुसे हैं तो एक जन मारवाड़ी सज्जन गंजपारा के मोड़ से खाते, ये छोरी कौन है? मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? थारी बात सही है, पर मारे पास चश्मा लगानो रो भी टाइम नहीं है। ये तारीख 16 अक्टूबर 1990, याद करें एक बार फिर, 16 अक्टूबर 1990, यही मंच, यही माता, जब मैं पहली बार इस मंच पर कविता पढ़ा और उसके बाद मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। ये माता का आशीर्वाद रहा। आज माँ कात्यायनी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है, सियान मन के दिन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, मंच के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सियान के दिन पहली घर के द्वारी में सियान ल बैठा दे, बब्बा बैठ बे, कुकुर मत खुश रहे, अब दिन बदल गए, कुकुर ल बैठा दे थे, बब्बा मत खुश रहे, बड़ा दुर्गति है। परछे में डोकरा सूते, ओकर बहु आते, बाबा चाय लाना, नहीं लगे, नहीं लगे, जा बाबा पानी पीबे, आहा नहीं लगे, नहीं लगे, जा अपन काम बूता कर, एक घंटा बाद ओकर बेटा ही, बाबा चाय पानी पिए, कौन पूछी बेटा, कौन पूछी, कुकुर बरोबर बंधाए हो, तो दाई जियत रही से तो चना फोकलक दाल लखा लेते रहे, अब गए दिन गए। और बिहाव में सबसे ज्यादा अगर ककरो कीमत होते तो सियान आदमी के, बोला पगड़ी बांध के आगू खड़े कर देते, हमारे सबले बड़े सियान है, माई मुड़ का है हमारे, समधी भेंट करवाई, वो बरात अंदर खुसर गए, अरे को नो मोला जन्मासा पहुंचा दो बेटा, दो नंबर है, बहुत जरूरी है बेटा, कोनो ध्यान नहीं दे। और हर सियान एके बात करते, हमर जमाना में ये पुराना मोटर स्टैंड है ना, जहां रही से एक आना फुट जमीन रही से, तो लेते नहीं 200-400 एकड़, फोकट के फुटानी मारते, हमर जमाना में 5 रुपया धर के जान पुराना इंदिरा मार्केट में बोरा भर सामान लाना, अरे लात रे होबे, वो जमाने में CCTV कैमरा नहीं रही से दुकान में, तो 10 बोरा ला सकत हस। लेकिन एक बात है, सियान तरिया के पीपल, सियान तरिया के पीपल है, सियान अंगना के तुलसी है, सियान तरिया के पीपल है, सियान अंगना के तुलसी है, सियान मिठू है, कोयल है, मैना है, सियान लड़का मन के खिलौना है, सियान होली है, देवारी है, तिहार है, और सियान नहीं है तो सब तिहार बेकार है। आसमान तक ताली बजाओ, मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूं, सियान नहीं है तो सबो तिहार बेकार है, सियान गीता के श्लोक है, सियान मानस के चौपाई है, सियान कुरान के आयत है, सियान वेद के ऋचा है, सियान जिंदगी के आचार संहिता है। एक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस में आज एक काम करत हूँ, और अपन दुर्ग शहर के जम्मो सियान मल्ला में प्रणाम करत हूँ। और दुर्ग के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम झकास है, दुर्ग के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम झकास है। कैसे तोर लड़का तोतरा थे का? हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतरा थे, जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक सची दुर्ग के आदमी एकदम, दोनों हाथ उठा के एकदम, नोट सिगरेट हाथ में धर के माचिस मांगने वाला मैं 1000 देखे, पर यहां माचिस धर के सिगरेट मांगते, जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक सची दुरुक के आदमी एकदम। एक जन पति अपन पत्नी की का करे थे, बड़ा फुटानी मारा था, दुकान लग दग खोलवाई, मकान लग कक बनवाई, ते का करे है, अच्छा जेब ले क्वार्टर निकाली, एक एक पीस का कहा रह रहे, वही कहा था, दुकान लगा खोलवाई, मकान लगा कब बनवाई, ते का करे, अच्छा अब ये 3 लड़कल साले गूगल से डाउनलोड करे,
ये बात खास है, एकर सेती दुरुग के आदमी एकदम एकदम नोट के चिल्लर मांगत में हजार मल्ला देखे हो। यहां चिल्लर के नोट मांगते काबर देखना चाहते आगू वाले की कितना औकात है, एकर सेती दुरुग के आदमी एकदम। अरे छत्तीसगढ़ पर काबिले ए बात काबिले गौर है, छत्तीसगढ़ में कतको शहर हो जाए यार, फिर दुरुग के बात और है। अब ये बार ऐसन पूरा आईस के पूरा पानी पुलगांव थाना में पहुंच गया, थानेदार मन के चड्डी बनियान बोहाइस, भारी पानी रहा है साल दुरुग के पूरा जबरदस्त पूरा, और पुलगांव थाना में तो आने च रही से काबर रोजनामचा लबहाना रही से दूर रोजनामचा बहा गए तो पॉइंट दी सोहर साहब बहुत पानी आ गए रोजनामचा बहा गए और दूर ट्रायल कैदी घलो भाग गए। बोलिस कोनो टेंशन नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है, अब जेन बहा के दो जना ही ओला कर देबे अंदर, हमला मुंडी से मतलब हो चाहे रामलाल हो या राजेंद्र। साहब मोर तो पैजामा बहा गए, मोर तो पैजामा बहा गए, बहुत बहुत गंज पारा में आ गए। एक जन पहिर के कहा थे भारत माता की जय, कि इस राष्ट्रभक्ति के दौर है कतको शहर हो जाए यार फिर दुरुग के बाद, कतको शहर हो जाए फिर दुरुग के बात और है। मोर भाई खुश होते तो कहते तय मोर सोना अस, तय मोर चांदी अस, तय मोर मोती अस, तय मोर धन अस, और मोदी जी कहते काला धन जब्त हुई। और अब कहा था कि काला धन जब्त भी हो ही और सार्वजनिक भी हो ही। और एक बात बता था, जेन लड़की अपन किताब में आमिर और सलमान के फोटो दबा थे वही टूरी के अक्सर शादी जेठालाल संग हो जाते। पर का कर मैं पूरा देखे पर मैं मोर बाई गेन मोर बाई गोड़ बिछल गए वो बोहागे, एक नवा बिहाव वाले सेल्फी खींचत रहे ओकर पति बुहा गए, ओकर बाई मोर में रहनाई से पुलगांव नो है, ये आए हर के पोड़ी भगवान बना दिस तोर मोर जोड़ी। मोर बाई बुहात बुहात मोर तो तकदीर सर गए, मोर बाई बुहात बुहात नकपुरम निकल गए। मैं तेरे नागे मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सफेरा, की गाना गाए लग गए टुरिल के हट टुरी, ये मोर गल्ला है मोर ठौरे। दुरुग में कतको कतको शहर छत्तीसगढ़ में हो जाए फिर दुरुग के बाद। और ये कसारीडी केलाबाड़ी संतराबाड़ी पोलसाय पारा इंदिरा मार्केट गंज पारा यहां खड़े हैं पान ठेला में राश्री दबाए, काबर ट्रिपल सवारी बाइक में आए, माखुर मलत है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बात करते। अगर मैं प्रधानमंत्री होते नहीं पूरा दुरुग ल सुधार देते हूं, का कर डरते पेट्रोल पंप में तीन टोटी लगवाते हैं, काबर एक में पेट्रोल एक में डीजल एक में दारू और फ्री में चखना। हम लग देख का है चाउर वाले बाबा और गेड़ी वाले नाना, कोनोल दो बार आना कोनोल तीन बार आना, चाउर वाले बाबा गेड़ी वाले नाना कोनोल दो बार आना कोनोल तीन बार आना, फिर ये छत्तीसगढ़ के मट्टी है। अरे उस सरकार में भट्टी रही से उस सरकार में भट्टी है, उस सरकार में भट्टी रही से उस सरकार, हम ही मन गरीबा मन नहीं पिया ने बड़े बड़े मन घलो पीते, हमारे थाले उजागर ही कर तो पाए, काय मन कम पी के आए हैं, आए हमर काय पापड़ चना गोंदली हमर चखना, इकर चखना है काजू, कैसे सही बोले नहीं राजू, ये बात काबिले दौर है। अरे कतको शहर हो जाए फिर दुरुग के बाद, कतको शहर हो जाए। वो लड़का अपन दाई कहा तरह मदर दाई अंग्रेजी में पढ़ा थे, आजकल कॉन्वेंट में पढ़ा थे लड़का मन, सब साले अंग्रेज के औलाद हो गए हैं, जेकर जेकर लड़का कॉन्वेंट में पढ़ते पैदाइशी कंफ्यूज, काबर एक फादर घर में एक फादर स्कूल में, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते ओरिजिनल फादर कौन है,
ककरो घर जाबे जाके बैठबे आंटी एक कप चाय रखते पिंटू बेटा फिर एक नंगरा टूरा टाई बांध के आते अंकल को पोयम सुनाओ फिर वो चालू हो गए डिंग डांग बेल पुसी नवेल हु पुट हर इन लिटिल टॉमी डीन हु पुट हर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट जानी जानी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी छत्तीसगढ़ी और आपकी मातृभाषा ही बच्चे को संस्कार दे सकती है। तो वो लड़का कहा मदर वाटर वाटर पूरा आ रहा है उकर घर में। अभी तो दुरुप के पूरा जबरदस्त रही से भाई साहब साले कपड़ा वहां चड्डी वो है गंज पारा तक आए कम पूरा रही तो जबरदस्त पूरा रही से बड़े बड़े बंद देखे मनाए बताए ना पूरा में बहुत दिक्कत रही से। तो कहे मदर मदर मतलब दाई वाटर 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 चारों को थी वाटर हम फीस हैं क्या इसे कहा मछली है क्या। हाँ बेटी हम मछलियन तह चिंगरियस मैं है कोथरी हूं और तो दादा टेंगना है। अब ती ही बता पुलगांव से गंज पारा डहर कैसे रेंगना है। तो दादा के तो देख जी बन के बने जाहू बहुत गड्ढा है कि छे गंज पारा डहर मत जा वही डहर ज्यादा पानी है रुक यार तक खाए पी बंद कर अभी बामन आदमी माइक में तुम खवात पियात हो ये अच्छा बात नहीं है वो सदमा में मर जाए। और संतरा बाली और केला बाड़ी वहां हमेशा बिगड़ते जवान टूरिक गाड़ी बता भगवान कसम बता दो माइक के कसम खा खा संतरा बाड़ी केला बाड़ी यही बिगड़ते जवान टूरी के गाड़ी तहां जी छुट्टा लरहा टूरा मन पाना पेंची धर के आ जाते। मैडम टेंशन में मत रहिए हम अभी स्टार्ट करते हैं तहां सा का करके कीक मारी प्लग साफ करी गाड़ी स्टार्ट हुई चल दी भैया थैंक यू इसे कही के हो गए ओकर बंठाधार टूरी चल दी सपन घर और टूरा खड़े है दूसर टूरी के इंतजार कर यही बात काबिले गौर है। अरे कतको शहर हो जाए यार फिर दुरुक के बाद कतको शहर हो ये बार इतना पानी आई संजय भैया पूरा में इतना पानी आ गए कि पानी है मुक्ति धाम में आ गए और सरोज पांडे के जमाना के जुन्ना मुर्दा बोहा गए भगवान कसम ये बार इतना पूरा में पानी आ गए कि पानी मुक्ति धाम आ गए और सरोज पांडे के जमाना के जुन्ना मुर्दा बोहा गए नया फ्रेश मुर्दा मना गए। ये बात काबिले गौर है कतको शहर हो जाए यार फिर दुरुक के बाद और है लेकिन एक बात है छत्तीसगढ़ में दुर्ग है दुर्ग में मंडी है मंडी में दुर्गा है और माँ दुर्गा के बाद और है कतको शहर हो जाए यार फिर दुरुक के बाद। एक तारीख एक जनवरी के एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि रही से राजस्थान में ये मन जानते हैं भाई जानते हैं उकर निधन हो गया विकिपीडिया का करी साले मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी भगवान कसम सही बोला था माइक के कसम खाक बोला था विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। इसमें मसूरी से आ रहे हो फोन बंद कर दे जार के दिन साल ओढ़ के सूते रहे मोर दुआरी में गमछा टावल धर के 25-50 जन खड़े रहे मैं बाहर निकले कायर सीखी के भैया दुबे जी चल दी भैया दुबे जी चल दी काका निपट गए भैया काका निपट गए चुप लाले ये हास्य का कोकरा है ठहाका का परिंदा है टेंशन में मत रहना बाबू टाइगर अभी मोर बाई लेक जन फोन करीस सुने दुबे जी निपट गए मोर बाई कहीस ऐसा हमार भाग्य कहां है बाबू रात के आए है जिमी कांदा खाए है मुनगा ओकर पसंदीदा है टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी एक जन खड़े रहे कैसे खड़े इस रहे बाबू कहा थे लकड़ी टाल वाले हो 2 क्विंटल लड़की लकड़ी मरघट्टी में फेंक के आए हो तोर बरे बर
पत्ते नहीं बरबे कौन बरही, मरघट्टी की लकड़ी वापस घलो नहीं ला सको। तो मैं कह सारे तो लकड़ी से की मैं बर जाऊं, नहीं तो ला बरेबर नहीं कहा था, पर कोई उपाय नहीं है। अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो ला गंज पारा में कविता नहीं पढ़ना हो तो बर जब का दिक्कत रही भैया। अच्छा ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। ये मैं कभी मरूंगा नहीं, हमर बाल कवि बैरागी जी की थे, मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई काम कभी करूंगा ही नहीं। ये राखी के रक्षा सूत्र, एक भाई दूज के टीका है, ये तीजा के कहनी है, अरे वो भाई का मरी जे करते ककन बहनी है, वो भाई का मरी जे करते ककन बहनी है। ये हास्य के कोकड़ा है, ठहाका के परिंदा है, और दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। बहुत बढ़िया, आप सुने का है? वो तो पुराना कविता और अकाश जुनलाल पकड़े रही, ये मनमोर रंग के पीछे पड़े रही थे, समझे नहीं। दरअसल का है, ये मनमोर सुंदरता से जलते हैं, भगवान कसम बता था। अभी आई था संजय झाला, मोर कलर के बात कर रहा था, अरे मैं इसे नहीं है, मोर बाईगार्ड माइक के कसम खा के कहा था, मोर माधुरी दीक्षित है, मोर आगुन शादी प्रस्ताव रखी, सच में मैं बाईगार्ड कह दे नाट कह दे मैं काबर, मोर वो समय ककरो संग चलत रही से इमन मोर सुंदरता के पीछे पड़े रही थे। पर एक बात कहना चाहता था कि भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के लेगीस बता संजय भाई, कौन लेगीस? कौवा लेगीस, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी, कौवा लेगीस? कबूतर नहीं लेगीस, वो तो खाली लव लेटर पहुंचात रही, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। बड़ा अजीब है, हम तो हमला बहुत बड़े बंगला मिले रही से रायपुर में मंत्रालय में रहे, और भाई कहा हम कुकुर पालेंगे इसे कहा, मैं कह साले मैं पाला था तेन कम है बे, और कुकुर पाल बे कितने, डॉग इज स्टेटस सिंबल, कुत्ता एलिट क्लास की निशानी है। मैं गेहूं बोरा धर के सड़क में बहुत अकन कुकुर रही से लान के बांध के, कोनो भूखे ना लांघन कहाल भूखती साले, एक ठन करिया कुकुर बीच बीच में डायल टोन दे, मैं तख्ती लगा दे कुत्तों से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। एक जन घंटी बजाई, मैं कह का है तही इसका, ताली बजाओ सांस लेना है, ऐसे दिक्कत होते भाई साहब। मैं का बताऊं, मैं यही दुरुप में 19 तो मैं बताया तारीख याद रखना, 16 अक्टूबर 1990 यही मंच, और मुझे मंच पे कविता पढ़वाने वाले मेरे सामने बैठे हैं, कुछ उसमें से तो स्वर्ग जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुरेंद्र दुबे को इस मंच पर स्थान दिया और इस माता का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने विश्व के 11 देशों की कविताएं पढ़ी, और भारत के जितने सम्मान होते हैं हास्य के सब मुझे मिले, सन 2010 में पद्मश्री मिली, ये सब माता के आशीर्वाद से। इसलिए दुर्ग यही के अस्पताल में डॉक्टर रहे हूं, धमदा नाका वाले में, तुमन कभी देखे नहीं रहे हो, काबर हम अस्पताल जाते नहीं रहे हो ना, तो रहे हो डॉक्टर पर रिकॉर्ड में रहे हो, दवाई लिखा था ना झंडोकरी आ गए, वो समय DD1 चला है, मैं अकेला दिखाऊं मैं, और बाकी चैनल नहीं रही से DD1, तो मोला देखी तो कहा था टीवी में थस का, मैं कह धर तो कागज ला नचैया गवैया मेरन दवाई नहीं लन, एक जन भिंडी तो उलत रहा इंदिरा मार्केट में सब्जी लेत रहा, टीवी में थस का हाँ कटका लेता रात भर के, बड़ा दिक्कत है भाई साहब, ताली बजाओ सांस लेना है, बड़ा अजीब स्थिति है। बेटे के बात करते रही थे, लेकिन एक बात है, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद संजय झाला तेरे मुंह से कविता निकलती है। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का नाम है सुरेंद्र दुबे। जब भारत सरकार ने पद्मश्री दी
और दिल्ली में एबीसी के एंकर ने मुझसे पूछा कि ये पद्मश्री आप किसको समर्पित कर रहे हैं, आप वीडियो चला के देख लीजिए। मैंने कहा ये 2.5 करोड़ जनता को प्यार से जीत लिया है तो लड़ने से क्या फायदा, हम लोगों को हंसाते हैं यही काफी है, यही हमारी पूजा है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। और एक कविता देकर ये बार बार लिंक करत है, 1992 में भाई साहब मैं पहली बार अमेरिका गया, उम्र पहली अमेरिका यात्रा रही, सो करत मैं 6 बार गया, मोर दाई है बेमे तरह मोर जन्मभूमि है, मोर दाई एक डब्बा ठेठरी रख दे रही से, ये खराब नहीं हो, 1.5 महीना खाबे बेटा तब वो खराब नहीं हो, साले शिकागो में पकड़ा गया इमिग्रेशन वाले, जमीन वो काय ठेठरी है, जमीन चक्री बरोबर गोल गोल रही थी, मैं क्या ठेठरी किस वाट ठेठरी, मैं क्या डब्बा सर जाएगा पर ठेठरी नहीं तरेगा। मैं भाई साहब कभू हवाई जहाज भी देखे रहे, हवाई जहाज भी नहीं बैठे रहे, पहली बार दिल्ली में हवाई जहाज देखे, हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलते मुला लगी ठग दिस, एयर होस्टेल में बुलाए के हैं भौजी है कब आते भाई, इज्जत से बात करना चाहिए प्रदेश में, मैं कह भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़के सड़क ले जाता नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा, इसे बात थोड़ा देर बाद हवाई जहाज जुड़ी से एक दूसरा एयर होस्टेल जाइए, मैं कह काकी ओकर उम्र ज्यादा रही से एयर इंडिया के रही से, मैं कह काकी हवाई जहाज कतेक ऊपर में जाते आदमी चांटी के सही दिखते, बोले नहीं चांटी चे हवाई जहाज उड़े च नहीं है, ताली बजाओ सांस लेना है। मैं कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठू, मैं शैलेश रोढ़ा का है, बड़े बड़े कवि है, स्टार है, हमारे हिंदुस्तान के शान है, और विश्व के जहां जहां हिंदी बोले समझे जाते सब देखा भाई शैलेश के पूछ परख बहुत है, बहुत बड़े कवि स्टार है, अभी महुल बुलाया जिसे शूटिंग करे पर, मैं करे अपन ससंग भर जतक छत्तीसगढ़िया कर सका थे, छत्तीसगढ़िया ज्यादा करे च नहीं सके, देती टूरी बैठे एटी में बैठे देखा था, हम का कर सकत हम खाली देखे सकत हम, ओकर ले ऊपर हमार गतर नहीं चले, अब वो कौन है कि पहचाने कोशिश करो, वो पहचान मनाए भाई साहब, बड़ा देर में समझ आई सबे ये तो मल्लिका शेरावती, पूरा कपड़े पहने तो पहचान नहीं पड़त रही से, उन्हीं मोर मेरे नाई सब आके कहा थे डू यू नो मी, मैं के डजंट नो हु आर यू किस, आई एम मल्लिका शेरावत एंड यू आर, मैं कहा सुरन दुबे आइटम वाय, हमार कॉन्फिडेंस हमार पास है, हम अपन कॉन्फिडेंस का है, अभी तक देखे जब कोरोना की बात करा कृष्णा, कोरोना में सबो लेडीज अपन घर में रही से बाहर ना निकले, कबर के कारण रही से ब्यूटी पार्लर बंद रही से, ओरिजिनलिटी बाहर आ जाती सब घर में, वही एकदम पटपटाए लुगरा चिराए जीन्स है पटपटाए टी शर्ट, मैं के भौजी इसे अलकर हर टाइप के काबर नहीं था, टिप टॉप काबर नहीं रहा, किसको दिखाएंगे किसको दिखाएंगे, मैं क्या वो तो पति परमेश्वर है, वो का देखी 15 साल हो गए नहीं देखा थे तेन का देखी, तो मैं कहते बन ठन के बाहर काबर जाता, बाहर में लोग देखते हैं देखते हैं, कुत्ते लोग थोड़ा ज्यादा देखते हैं, और जब नहीं देखते हैं तो मैं ही कहती हूं कि कुत्ता साला देख भी नहीं रहा है, लेकिन एक बात है छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जेकर अपन अगल अलग सौभाग्य है, मोर बाहर अमेरिका इंग्लैंड दूसरे देश में जाता हूं तो लोगन बोलते हैं छत्तीसगढ़ में देखने के लायक क्या चीज है, मैं कि तो सबसे पहली तो मैं ही हूं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना, क्योंकि गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया, ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कलचुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी, ये बाल्मीकि की तपोभूमि तुर तुरिया गुण गाती है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, लोक कला का है व्हाट इज फोक आर्ट, सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे,
ওহে জিত পুদককে ডকিলানে হলেকে মুসুয়ারে ये फोक सॉन्ग ए पार नदिया वो पार नदिया बीच में बंगाला रे भाई समधिन के लैका हो गए ठग दंगाला रे। रामचंद्र महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है, अर्पा हस्तो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोक सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी, महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की, स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया, राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया, मुकुट बख्श लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाथी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। छत्तीसगढ़ मेला मलई के जगह है, राजीव मेला लगे रहे भाई साहब। एक जन की जात हो भैया टेटू बनवा हूँ, इसमें चुप है बट बनवा बे टेटू बहुत पिराते हैं इसे। नहीं नहीं भैया मैं कसरत खा कहा है, साइकिल किराए में लाने हो, मोटा टेटू बनवाना है सीखे, टेटू बनवा करो है मैं तो बोले ना मत बनवा बे पिरात पिरात नहीं है भैया, साले स्पेलिंग गलत लिख दे, मैं कह रहे हैं करीना लिख दे साले कमीना लिख दे, तो संकट रही थे बामन कैसे करे। कई किस्म के संकट है हमारे छत्तीसगढ़ के, भारी संकट है, लेकिन छत्तीसगढ़ मस्त है। और हमें शैलेश तक और भुवन मोहनी हमारे दो बहनी है, एक विश्व मोहनी एक भुवन मोहनी, एक जगह चक्कर में नारद जी पड़े रही से एक बहनी है छोटे सग उकर बाद यही है भुवन मोहनी उकर नंबर मोर बाधे क्यों है बोला गुर्री गुर्री देखा थी ये बैठक में खड़े हो। छत्तीसगढ़ के आदमी कभी बैठे नहीं बोला बैठाना पड़ते, लेकिन मैं आपके बीच हूँ, आपने मुझे मन से सुना, बस आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। अगले साल फिर मिलवो, लेकिन एक बात है दोनों हाथ उठा के बोलना है छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक ही शब्द में बताना है इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। हम हिंदुस्तान हैं, लड़कियां तो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, उसमें क्या हुआ, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई होता ही नहीं। एक लड़का लड़की प्यार में दोनों का साथ साथ मर जाएंगे, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चले गए और कूदे दोनों हाथ पकड़ के, लड़का तो वही छोरी वही खड़ी गई ये बेचारा कूद गया, ये इंटेलिजेंट थी ये कूदी नहीं, लड़का इससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, आधे रस्ते में पैराशूट खुला, मुझे मालूम था तू नहीं कूदेगी। इंटेलिजेंस बहुत अलग चीज होती है, हिंदुस्तानी आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक जगह तीन लोग खड़े हुए, एक हिंदुस्तानी था, एक चाइनीज था और एक अमेरिकन था, बोले पुलिया बनाना है इसका ठेका दिया जाएगा कितने बनाओगे, चाइनीज को पूछा तो चाइनीज ने कहा 6000 में, बोले कैसे, बोले मैं सस्ता माल बनाता हूँ 3000 मेरे 3000 लेबर के। अमेरिका वाले को पूछा तुम, बोले 12000 मेरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है 6000 मेरे 6000 लेबर के। इंडियन को पूछा कितने में, बोले 26000, बोले कैसे, बोले 10 आपके 10 मेरे और 6 में तो चाइनीज बना ही देगा। ये होती है इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस है। व्यापारी लोग है ना, हमें माल बेचना आता है, हम मुझे ही मालूम आपको कितना समझ में आएगा। हमारे मोहल्ले में अपनी साड़ी की दुकान खोली, मैं गया, अगले ने इतनी बारीक बात कह दी कि समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं मैं समझ गया इसको माल बेचना आता है। माल बेचना आसान थोड़ी है, जैसे मेरी वाइफ गई एक बार कुछ खरीदने भी, ये कोरोना के दिन थे उसी समय, किसी साड़ी की दुकान में साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए गई, वो वापस आई बोले मैं अपना मोबाइल फोन वहीं भूल के आ गई और उसकी बैटरी ऑफ है तो फोन लग भी नहीं रहा, तुम जाके लेके आ जाओ। मैं भी चला गया दुकान पे, मैंने कहा भैया यहाँ कोई औरत आई थी साड़ी खरीदने से मोबाइल भूला है क्या, बोले यहाँ तो दिन भर औरतें आती है। मैंने कहा यार फोटो दिखा ये शक्ल, बोले सर मास्क पहन के आती है पहचाने भी नहीं। मैंने कहा इधर से गई है, बोले बहुत जाती है इधर से तो। अब मैंने कहा पहचान कैसे कराऊं, मैंने कहा कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के बाद तेरा ये मन किया हो कि दुकान में आग लगा दूं
एक सेकंड में समझ में आ गया। ये होती है इंटेलिजेंस।